बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, वक्फ बोर्ड की जमीन पर दावा खारिज कर दिया गया है। करीब 1000 एकड़ की जमीन पर दावा किया गया था 15 नवंबर को। 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी आवेदक के गैर मौजूदगी पर, तहसीलदार ने अब यह दावा खारिज कर दिया है। आकाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जी आकाश जानकारी दीजिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड रायपुर के सीईओ ने दुर्ग शहर के भीतर करीब 10 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया था, उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधन अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए शहर के भीतर के कई स्थानों पर जिसमें नया पारा, पंसिल नगर, मोती पारा, ऐसे कई स्थान थे जहां पर उन्होंने अपनी जमीन का दावा किया था। इस दावा के लिए जो है तहसीलदार के द्वारा एक इश्तिहार जारी किया गया था और 15 तारीख जो है 15 नवंबर दावा आपत्ति का दिन निर्धारित किया गया था। दावा करने के बाद जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई दस्तावेज जो है 15 तारीख को पेश नहीं किया गया, लेकिन लगभग 1711 लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। चूंकि जिन स्थानों का दावा वक्फ बोर्ड के द्वारा किया गया था उन स्थानों पर जो लोग कई वर्षों से काबिज थे और उन्होंने अपना जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था, इसके आधार पर तहसीलदार ने जो वक्फ बोर्ड के जो जो मेंबर है वो नहीं पहुंचे और आपत्ति जब आई तो उन्होंने इस पूरे दावा को खारिज कर दिया। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए आकाश।